अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है, आप लोग देख रहे हैं राणा जमील डेयरी फार्म। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से जानवर सारे बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, देख सकते हैं जी माशाल्लाह। और ये साहिल है जी, और हमने तूड़ी मिक्स करके इनको दिया हुआ। ये दूध वाले जानवरों की खुराक है जी, मिल्किंग वाले जो जानवर हैं। एक जी हम पर डे के हिसाब से इनको तूड़ी देते हैं, और उसके बाद साइलेज दे रहे हैं जी। और साइलेज आप लोगों के सामने हमने बनाया था, मकई परचेज़ की थी, तो उसके बाद साइलेज वगैरह हमने बनाया है। तो लेकिन अभी आप लोग हमारी जो फार्म की लेबर है वो मुझे लगता है कहीं साइड पे गई हुई है, लेकिन वहाँ पे चलते हैं जी लेबर के पास, लेबर देखते हैं क्या कर रही है। तो आप लोगों को दिखाते हैं जी लेबर हमारी आज क्या कर रही है, और उनसे कुछ बातें भी करते हैं आज अपने फार्म की जो लेबर है उनसे, तो क्या क्या कर रहे हैं थोड़ी सी फनी फनी बातें करेंगे उनसे। ये देखिए जी, हम मिट्टी गिरवा रहे हैं जी दीवारों के लिए, तो देख सकते हैं जी माशाल्लाह। तो तूड़ी भी हमने स्टोर कर ली है फार्म के लिए, तो तूड़ी के हवाले से इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो बनाएंगे जी इंशाल्लाह। देखिए जी, सारे हमने जो हमारे खेत हैं हमने सारा काम करवा लिया है, बर्तन वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं जी। टाइम असल में मिलता नहीं है, काफ़ी मसरूफियात हो गई है। कुछ फार्म के जो ज़रूरी काम है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते ना तब तक कोई फ्रेश होकर बंदा वीडियो नहीं बना सकता, यकीन करें। तो लेकिन अभी ये देखिए मिट्टी वगैरह भी उठा रहे हैं, तो ये सीधा फार्म के अंदर ही जा रही है। इंशाल्लाह कुछ देर और काम करेंगे, ट्रालियों वाले भी चले जाएंगे, तो हमारी जो फार्म की लेबर है सामने काम कर रही है जी। देखते हैं जी कि क्या क्या कर रही है क्या नहीं, तो आप लोग को दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड ये देख ले हमारी फार्म की लेबर जो है ना छापर इकट्ठे कर रही है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इनसे पूछते हैं अभी छापर इकट्ठे क्यों कर रहे हैं ये, तो पता करते हैं अभी इनसे। हाँ जी, क्यों शाफिदा भूख पै गई है यार, छापर इकट्ठे करने लग गए। हाँ ओ, ये भी दो आदमी, एक सामने हमारा गुंगा है वो भी ये इसी काम पे लगा हुआ आज, पता नहीं है इनको क्या हो गया, हमारे आदमी क्यों ये छापर इकट्ठे कर रहे हैं तो कोई समझ नहीं आ रही है। विदा छापर क्यों इकट्ठे करने को आए हो भाई? छापर इकट्ठे करें छापर जीते उसे उसे बरसें दबे या उसे उसने जमना नहीं, क्यों नहीं जमना छापर देठो जम जा से यार, एक ही गल छापर कदे नहीं जमना। फिर तो गटवा क्यों पापा इकट्ठे करने को ले हो हैं? तो गटुआ की पाक इकट्ठा क्यों करे निकले हो हैं? भेजा कितने रुपए किलो छापर बिक रहा है? तो ये देखे जी इन्होंने आग भी लगा दी है, अल्लाह ही रहम करे भाई। बस जब जब जो कि और कहा लाया भाई तुम जाके। तो ये देख सकते हैं जी ये बंदे छापर इकट्ठे कर रहे हैं। तो असल में ना यहाँ पे हमने बरसीन वगैरह काश्त करनी है, ऑल वगैरह हमने डाली थी यहाँ पे, ये देख सकते हैं जी छापर वगैरह निकाल रहे हैं। ऑल के अंदर जो साइलेज वगैरह होता है ना जी फार्म के अंदर से आते हैं, वो तो फिर सारे हम एक ही जगह पे स्टोर करते हैं, छापर वगैरह जो छोटे 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 होते हैं जैसे ये इकट्ठे कर रहे हैं जी। तो इनको एक साइड पर करके इनको आग वगैरह लगा रहे हैं, इसको लेज़र करवाएँगे। लेज़र करवाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बर्तन कास्ट करेंगे और लोशन वगैरह कास्ट करेंगे, और नेपरा भी कास्ट कर रहे हैं जी इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। तो इसे ले इसे ये गूंगा है जी, बातें इसको सारी समझ आती है हमारे से। ये पाँच साल से मेरे पास है ये काम कर रहा है, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे काम करते रहते हैं जी, सारे काम ही होते हैं। ये देखिए जी सारा प्लाट है, जितने भी फार्म तक आपको नज़र आ रहा है ये सारे फार्म तक जितने भी प्लाट पड़ा है माशाल्लाह से, ये सारा हमने मकई काश्त करनी है या सॉरी बरसन काश्त करनी है, लूसन काश्त करना है, और उसके बाद नेपरा काश्त करना है जी इंशाल्लाह। तो सामने ही हमारा डेयरी फार्म है, और ये हमने चावल काश्त किया हुआ है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। तो हमें मुझे इजाज़त दीजिए,
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कर लिया करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।